अच्छा, तो हमारे साथ आज भुवनेश्वर में है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस बावाजी। अगर देखेंगे टीएस बावाजी आज है। सर क्या ईडीबी को सर स्वागत है आपको। जी धन्यवाद सर। क्या कहेंगे 28 जून पे आपको एक दायित्व तो मिला है, 4.5 साल के बाद आपको छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का पद मिला है, सर क्या कैसे कहेंगे। पहले तो जय जगन्नाथ। वो संयोग से दिन ऐसा था जिस दिन रथ यात्रा कार्यक्रम पूर्ण हुआ, जगन्नाथ जी घर वापस आए और उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया। तो वो ऐसे लगता है कि नया कुछ हुआ। मैं तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम कर ही रहा था, वो कंटिन्यूएशन है। एक पद नाम भर जुड़ गया, जो हम लोगों ने काम किया कहीं ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यूएशन है। एक कैप्टन थे और हम लोग टीम मेंबर थे, अब कैप्टन के साथ एक वाइस कैप्टन भी जोड़ दिया है, बाकी टीम है। सर ओडिशा के बारे में अगर आप देखेंगे 2019 जो इलेक्शन था उस टाइम पे आप प्रभारी के रूप में आए थे, काम किए थे, तो क्या कहेंगे सर। समय हम लोगों ने जो उम्मीद किया था वैसा नहीं आया, परिणाम निराशाजनक थे और मैंने भी 9 सीट नहीं सोची थी कभी भी। टफ था कांग्रेस पार्टी के लिए, हर पार्टी लड़ती है सत्ता में आने की बात करती है, और 147 सीट्स में हम भी चाहते थे कि 50% से ज्यादा हमारी सीट आए, फिर भी दिखता था कि वो टफ है। उस चुनाव में भी लगता था टफ है, 9 सीट हमारे लिए निराशाजनक उस समय था। आज भी जो हम लोग को फीडबैक मिलता है कई बिंदुओं पे लोग संतुष्ट नहीं है। हमको विकल्प के रूप में अपने आप को बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना है, एक होके पार्टी एक रूप से है, अच्छे से लोगों के साथ, पहले घर को हमने एक बनाया, अब हम लोगों के पास जाके साथ में मिलकर काम करेंगे। अभी जैसे कि शरद पटनायक जी जैसे कि ले रहे हैं, जैसे सेफ टाइप कर रहे हैं उड़ीसा कांग्रेस को, पीसीसी को, अब कैसे क्या बनाएंगे, क्या उद्देश्य क्या रहेगा आप। देखिए राहुल जी ने एक बड़ी पदयात्रा निकाली देश में, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक उन्होंने कश्मीर तक की यात्रा पूरी की। एक प्रेरणा सबको मिली, एक उत्साह सब में आया। मैंने सुना शरद जी ने भी वहां से, दोनों ने 3000 किलोमीटर लगभग 2000-2500 किलोमीटर उन्होंने भी किया। तो लोगों से जुड़ने की ये जो क्रिया है ये निश्चित रूप से लाभ दिलाएगी, इसमें कोई दो बात नहीं। सर अमन सिंह के टाइम से ही सर महानदी के सिलसिले चल रहा है, सर क्या बोलेंगे सर महानदी के बारे में, सर क्या बोलेंगे सर। महानदी दोनों राज्यों के हित से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ को भी हम आज एक भी बांध नहीं बना पा रहे, पानी हमारे यहां से संयोग है, पृथ्वी ऐसी बनी कि पानी उधर से बह के आ रहा है, यहां से जा रहा है। इसमें जो दो बात आती है कि 80% से ज्यादा महानदी का पानी समुद्र में जा रहा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि ये 80% पानी जो समुद्र में जा रहा है, छत्तीसगढ़ से होके आता है, उड़ीसा से होके जाता है, इसका जितना हम सदुपयोग कर सकें, एक तरह से जो संभावना है इसके उपयोग की वो वेस्ट हो रहा है। एक बड़ा बांध बना सर, क्या ओडिशा वासियों को आप रेस एश्योर करेंगे। जी ओडिशा वासियों को रेस एश्योर करेंगे। हाँ बात दोनों के हित में होनी है। बात आज मैं भुवनेश्वर में हूँ तो मैं कहूँ ओडिशा, कल मैं रायपुर में जाऊंगा तो कहूंगा छत्तीसगढ़, वो सच्ची बात नहीं है। तो आप देख रहे थे कि जैसे है तो टीएस सिंहदेव थे अभी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो जून 28 में दायित्व लिए हैं, आज वो भुवनेश्वर गश्त पे आए थे, तो आपने देख रहा था कि जैसे कि वो बोल रहे थे कि ओडिशा आया हूं तो जैसे भी हो ये जो महानदी का जो सिलसिला है इसको ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागीदारी में साझा में डेफिनेटली इसको समाधान करेंगे, उसका समस्या का हाल निकालेंगे और समाधान करेंगे। भुवनेश्वर से संजीव कुमार राय, ईडीबी भारत।